हमारे राजा राव राम बख्श सिंह साहब जो कि डोंडिया खेड़ा में उनका महल कभी हुआ करता था, आज उन्हीं पे कुछ ब्लॉग वीडियो बनाया। उनके साथ कुछ जो अंग्रेज़ों से लड़े और उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये मंदिर है जो अंग्रेज़ों ने तहस नहस किया था। यहाँ पे मूर्तियों को खंडित किया जाते जाते कितनी टूटी फूटी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, आपको हम दिखाएंगे इस ब्लॉग वीडियो में। ये कोई महाराज जी हैं, ये देखो मूर्ति जो है इसका हाथ और पैर नहीं है, नीचे कोई माता जी की मूर्ति है और ये मंदिर का द्वार है। इसी मंदिर में जो शिव जी की मूर्ति है इसी पे राजा साहब कहते हैं कि रात 4 बजे वही सुबह का पूजा अर्चना करने आते हैं। ये देखो खंडित मूर्ति जो कि कटी हुई है, ये देखो माता जी के हाथ नहीं है। और ये भी देखो गणेश जी की जो कि एक हाथ नहीं है। ये मंदिर कभी हजारों वर्ष पहले राजा साहब ने बनवाया था। ये देखो कुमार शुभम जी हैं जो कि फिल्मों में काम करते हैं, कई फिल्मों में काम किया है, बाल कलाकार हैं ये। 2017 से एनडी म्यूजिक यूपी चैनल के लिए काम कर रहे हैं, देखना है तो इनको एनडी म्यूजिक यूपी चैनल पे सर्च करना, ये बाल कलाकार। और ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर बना हुआ है जो कि डोंडिया खेड़ा गांव में है और पास में सामने गंगा मैया दिख रही हैं। और ये देखो मूर्तियां टूटी पड़ी हैं उस ज़माने की, क्षेत्रवासियों ने इन्हें संजो कर अभी तक रखा है, इधर उधर नहीं किया है। विशाल मंदिर ये जंगलों के बीच में बना हुआ है और पास में ये सामने गंगा मैया हैं। ये देखो एक और टूटी हुई मूर्ति। वही राजा राव राम बख्श सिंह हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं इस क्षेत्र के वासियों ने एक ये मूर्ति टूटी है, इस क्षेत्र के वासियों ने राजा साहब की विशाल मूर्ति लगवाई है और हम आपको उस जगह लेके चलते हैं। कहते हैं कि जो भी महाराज जी के स्वप्न में आया था खजाना राजा साहब ने जो भी रखा होगा ऐसा महाराज जी के स्वप्न में आया था, वहीं पे हम आपको ले चलते हैं। ये बातें सुनने में आ रही है कि महाराज जी सरकार से यह कह रहे थे यहाँ पर्यटक स्थल और हवाई अड्डा एक्सप्रेसवे इन चीज़ों की जैसे वो कहते थे मांग कर रहे थे। अब क्या बातचीत सरकार के बीच में हुई, क्या समझौता हुआ, हालांकि सोना निकाला नहीं गया था। हालांकि आज महाराज जी शोभन बाबा हमारे और आपके बीच नहीं है। ये जंगल में देखो कितना सुंदर नज़ारा, ऐसा
हमारे भारतवर्ष में बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा कि जंगलों में देखो बैठने की जगह हैंड पैप भी लगा हुआ है इस जंगल में। जंगल है फिर भी बहुत ही सुंदर दृश्य, यहाँ देखो जंगल में बैठने की भी जगह है, कितना सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। कभी यहाँ पे राजा साहब का महल था, यहाँ पे पत्थरों की इमारतें थी, संगमरमर लगा था। और इस जंगल में भी उस जमाने में कुएं, ये देखो गिरी हुई राजा साहब की महल की इमारतें हैं, उस जमाने में इतना विशाल महल बनवाया था राजा साहब ने। ये देखो एक कुआं भी नज़र आ रहा है, इसको राजा साहब ने बनवाया था। और इस जंगल के आगे वो सामने गंगा मैया दिख रही हैं, अद्भुत नज़ारा। ये उन्नाव जिले में डौंडिया खेड़ा का, जो कि देश विदेशों में हर टीवी चैनल पे विख्यात हुआ और विदेशों से भी लोग यहाँ आए, यहाँ के नज़ारों को देखा और समझा। उन्नाव का ये गांव डौंडिया खेड़ा, ये वो जगह है जहाँ पे खुदाई हुई थी। कहा जाता है यहीं कहीं पे इन्हीं जंगलों में सैकड़ों या हजारों टन सोना है। अब इसके विषय में सरकार जाने या महाराज जी जाने, है या नहीं है, है तो कितना है। और आज हमारे आपके समक्ष बीच में महाराज जी नहीं है, ये कुमार शुभम जी हैं, जो कि ब्लॉग वीडियो बनाने में मदद की है। और ये वीडियो बनाने वाला छोटा सा बच्चा यश कुमार है, जो कि 8 वर्ष का है। ये बहुत मेहनत कर रहा है, अपना आशीर्वाद जरूर देना। रुक गया है यस, पैर में कांटा लग गया था इसके। 8 वर्ष का बच्चा मेहनत कर रहा है, जो भी सपोर्ट हो सके, आशीर्वाद दे सको आप लोग, इसको ज़रूर देना। इसके गाइड हम ही लोग थे, शुभम जी ने भी बहुत मदद की इसकी इस ब्लॉग वीडियो बनाने में। और इसके आगे आपको बड़े सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये राजा साहब की मूर्ति है और ये मंदिर बाहर से है, और अंग्रेज़ों ने इस मंदिर को बाहर से भी मूर्तियों में गोलियों से तोड़फोड़ मचाई थी। और ये उसी मंदिर के बगल से गंगा मैया बहती हुई, बहुत सुंदर नज़ारा। ये कुमार शुभम जी हैं, जो कि इस वीडियो में बहुत ही यस की मदद की वीडियो बनाने में। ये मंदिर का नज़ारा दूर से नज़र आ रहा है, ये मंदिर की सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना वो आंसर जरूर देना। बाय बाय।